हाय गाइस, दिस इज उज्ज्वल कुमार सेन एंड यू वाचिंग उज्ज्वल कुमार सेन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो बड़ा ही शानदार होने वाला है। लास्ट तक वीडियो देखना अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो इंजीनियरिंग में। ये आपको एक आइडिया देगा कि किस फील्ड में कितना ग्रोथ हो पा रहा है पिछले 8 साल में। तो मैंने क्या करा था, मैं 5-6 दिन से अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में दोस्त थे उन सबको फोन कर रहा था। और मेरे दोस्त जितने भी सारे फील्ड में, मतलब चाहे आप आईटी की बात करो, चाहे सिविल की बात करो, चाहे इलेक्ट्रिकल की बात करो, चाहे मैकेनिकल की बात करो, चाहे टीचिंग सेक्टर की बात करो, हर फील्ड में। तो मैंने सबसे बात करा, 5 दिन लगा, कम से कम मैंने 30 पीपल से बात किया जो मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़े थे। इससे क्या फ़ायदा हुआ, एक्चुअली ये तो फ़ायदा, मतलब जो वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे बाद में आइडिया आया कि उन्होंने ये बातें मैं आपके साथ शेयर करूँ जो बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो सबसे बात कर देखा भाई कौन क्या कर रहा है, कितना ग्रोथ हुआ है, कितना सैलरी हुआ है उनका, वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज का वीडियो का टॉपिक जो है बड़ा शानदार है, बिकॉज इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मुझे पता है सैलरी सब कुछ नहीं होता है लाइफ में, लेकिन अगर अच्छा सैलरी नहीं होगा तो बहुत कुछ हमारे लाइफ में नहीं होता है जो हम चाहते हैं, हमें नहीं मिल पाता है, राइट। हम अपने, मान लो जो आप शादी करेंगे, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज नहीं पाएंगे, अच्छे कॉलेज में भेज नहीं पाएंगे, तो पैसा मैटर करता है लाइफ में ज़रूर। तो हम ऐसा काम करें जिसमें ठीक ठाक हमें पैसा मिल जाएगा, नाम भी मिलेगा और अच्छे से काम भी कर पाएंगे, ज़्यादा टेंशन ना लिए। तो हमने देखा इंडिया में इंजीनियरिंग लोग इसलिए करते हैं ताकि जॉब मिल जाए और जो फ्यूचर है वो क्या हो जाए, सिक्योर हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। बट क्या होता है, इसमें एक कैच भी है, मतलब पकड़ने वाली बात भी क्या है, आप किसी भी जगह से कोई भी ब्रांच लेके इंजीनियरिंग करोगे तो आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं होता है, हालांकि आप प्रॉब्लम में आते हो, जो बहुतों के साथ हुआ है, लाखों बच्चों के साथ होता है और हो भी रहा है। मेरे इन वीडियोस से एक मकसद है कि आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिले जो करेंटली इंडस्ट्री में चल रहा है। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है, सैलरी आफ्टर वर्किंग 8 ईयर्स इंजीनियरिंग फील्ड। तो मैंने क्या करा है, सारे ब्रांचेस से बात करा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का है, राइट, चाहे वो सीएससी का है, चाहे वो मैकेनिकल का है, चाहे आपका सिविल का है, राइट, ऑल दिस ब्रांचेस, ये सारे ब्रांचेस से मैंने बात किया। बाकी ब्रांचेस का मैंने बात नहीं करा है, इन ब्रांचेस के जो बंदे थे जो 8-9 साल से 7 साल से काम कर रहे हैं उनसे बात किया, और ये सारे बंदे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट वालों से बात तो करा लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं बता के, बिकॉज वहाँ पर फिक्स सैलरी आपको मिलता है इन जनरल। पीएसयूज में आपका एक चीज़ का फायदा होता है कि बोनसेस आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, जो भी उनका होता है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, बट अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे ना, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर में मैक्सिमम बंदे जॉब करते हैं या जॉब पाते हैं, बिकॉज इंडिया में गवर्नमेंट सेक्टर जॉब 1% के आसपास है, बाकी सारा क्या है, प्राइवेट सेक्टर है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, बिकॉज 99% लोग उसमें काम करते हैं भाई, तो उसी की बात करेंगे ज़्यादा। चलो सो गाइस, देखो बता रहा हूँ, मैं उनसे बात किया तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, जितने भी कॉलेज के बच्चे थे जो प्राइवेट सेक्टर में काम किए थे, 99% बच्चे इनका जो प्लेसमेंट नहीं हुआ था, इनका सबका जॉब लगा था कहाँ से, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट से, चाहे वो कंप्यूटर साइंस की बात करो, चाहे मैकेनिकल की, बिकॉज प्लेसमेंट था ही नहीं उस टाइम, प्रॉब्लम हुआ था, बहुत कम प्लेसमेंट था वो, इसलिए 99% बोला। और मेरे दोस्तों का सिर्फ एक दो का ही प्लेसमेंट हुआ था, बाकी किसी का नहीं हुआ था, बाकी सब ऑफ कैंपस से जॉब मिला है, राइट। यहाँ पर मतलब क्या समझ में आता है हमें, कॉलेज की डेफिनेटली गलती है, कॉलेज वाले एफर्ट नहीं डाले थे। तो आप जब एडमिशन लेंगे कॉलेज में, आप पक्का देखिए कॉलेज में कितने कंपनीज आती है, कौन कौन से ब्रांच में आता है, कितने का जॉब देता है, कितना मिनिमम पैकेज है, कितना मैक्सिमम पैकेज है, कॉलेज में कितना बच्चे पढ़ते हैं, कितनों का जॉब लगा है, ये सारे पता करो फिर एडमिशन लेना। ऐसे नेट से मत पता करो रे, नेट से रियल इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है इन जनरल, आपको खुद जाना हो कॉलेज कैंपस में जब टाइम लगता है, जब भी आपका टाइम के अकॉर्डिंग टू आपका जो अनुकूल टाइम है उसके अकॉर्डिंग पता करो, या फिर जो पढ़ रहा है ऑलरेडी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, उससे पता करो क्या सीनारियो है करेंटली, उसके बाद एडमिशन लो। इन जनरल बता दूं, इंडिया में कुछ ही कॉलेजेस में इन सारे ब्रांच में प्लेसमेंट ठीक ठाक मिलता है। सारे कॉलेज की अगर वैसे लगाओगे, सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट किसका अच्छा होता है, कंप्यूटर साइंस का होता है या फिर कंप्यूटर फील्ड में होता है, जो कंप्यूटर फील्ड में जॉब करते हैं चाहे किसी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, राइट। बट टॉप कॉलेज की बात करेंगे, सारे ब्रांचेस में प्लेसमेंट है। अब बोलोगे सर हर कोई सीएससी लेगा तो क्या होगा, भाई सारे सीएससी लेंगे मुझे पता है, सब तो ना मेरी बात सुनते हैं, नहीं सुनते हैं मुझे पता है। तो अगर आप लेते हो सीएससी तो क्या फ़ायदा है, आज आपको पता लगे इस वीडियो में। प्लस
अगर मान लो निहायती आपका इंटरेस्ट किसी ब्रांच में, भाई मैं तो इसी ब्रांच में ही करूंगा, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैंने काम किया हुआ है। इंटरेस्ट और अट्रैक्शन में फर्क समझना। अट्रैक्शन क्या होता है, देख के मजा आ रहा है, हाँ कितना मस्त है गाड़ी इसलिए मैकेनिकल पढ़ूंगा, ना ना ये अट्रैक्शन है। इंटरेस्ट मतलब क्या, आपने काम किया है, आपको बहुत इंटरेस्ट है, मजा आ रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ, फिजिक्स में आपने मैकेनिक्स पढ़ा होगा, मैकेनिक्स में सब बहुत मजा आ रहा है मेरे को, उस कंसेप्ट को समझ पा रहा हूँ मैं, कैसे उसमें मैकेनिज्म है, मैं कैसे वो मूवमेंट हो रहा है कितना, और मैंने उससे क्वेश्चन निकाला हुआ है, राइट। मुझे मजा आता है न्यूमेरिकल करने मैकेनिक्स का, तो भाई मैकेनिकल फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन मुझे निकालने में मजा आता है, मतलब क्या भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो आपको रियल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होगा, यू हैव टू फाइंड आउट योर ओन रियल इंटरेस्ट। वो रियल इंटरेस्ट होता है, देख के मजा आ रहा है भाई, ये रियल इंटरेस्ट नहीं, अट्रैक्शन है मेरे भाई, दिस इज जस्ट अट्रैक्शन, कुछ टाइम का रहता है फिर निकल जाता है स्लोली स्लोली, राइट। बहुत टाइम हमारे बाकी जो भी होता है, आई ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी जानते हो। तो गाइस टॉपिक पे आते हैं, जितने के भी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हुआ था सबका जो पैकेज देखा मैंने 10 से लेके 20 के बीच में था, राइट। और मेरा सैलरी कितना था, 17,000 था पर मंथ 2012 में, जब मेरे को जॉब लगा था एक यूनिवर्सिटी में, टीचर का मैं पोस्ट था, मैं पढ़ा था वहाँ पर यूनिवर्सिटी में, राइट। तो मेरा 17,000 पर मंथ मेरा सैलरी था, मैं टीचर की पोस्ट भी लूँगा बिकॉज अगर किसी का हो सकता है टीचिंग में इंटरेस्ट हो, और टीचिंग सबसे बेस्ट प्रोफेशन है, क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज टीचर्स सही टीचर्स के सही में रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, टीचर्स अच्छे हैं ही नहीं मार्केट में, बिकॉज मैं टीचिंग फील्ड में बहुत इंटरव्यूज ले रहा हूँ फिलहाल, हम बहुतों को हायर कर रहे हैं, अच्छे कॉलेज से हैं, एक्सपीरियंस लोग को, तो हमें देखते हैं भाई, पता लगता है बात करके भी ये सही में कुछ है या फिर हवा हवाई बात है, तो मैक्सिमम पाते हैं कि हवा हवाई बात है, मतलब उस तरह का कोई टीचर है बहुत कम है भाई मेरे, बहुत कम जो एफर्ट डाल के सीखना चाहते हैं रियली में, आप बोल सकते हो कि हम सोसाइटी को हेल्प करना चाहते हैं, वैसे बहुत कम है। सारे बात कर रहे हैं भाई चलो 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 ऐसे ऐसे ऐसे, बट चलो बहुत अच्छे भी टीचर बहुत अच्छे हैं भी, बहुत टीचर हैं जो बहुत अच्छे हैं ये मुझे पता है, राइट। चलो गाइस बात करते हैं हम किसके बारे में, जो एवरेज सैलरी है आपका वो कितना है आपका, 10 to 20,000 रुपीज उन्होंने स्टार्ट किया, 2012 की बात कर रहा हूँ, राइट। आप बोलोगे सर अब तो बढ़ गया होगा, ना भाई ना, यहीं पर एक समझने वाली बात है, नहीं बढ़ा है सैलरी, अभी भी एवरेज सैलरी अब घटा है जरूर, 8,000 से शुरू होता है बहुतों का, 20,000 तो बहुत कम का देखा मैंने अब लगता है, ये मैं जो कॉलेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज कॉलेज की बात कर रहा हूँ, अच्छे कॉलेज में भाई 12 लाख का 15 लाख का 1 करोड़ का 1.5 करोड़ का पैकेज लगता है IIT में, IIT रुड़की में, IIT बॉम्बे में, IIT कानपुर में, NIT इलाहाबाद में, बहुत NITs में अच्छे पैकेज लगते हैं, बाकी सबके ही लगते हैं, कहाँ लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं 10 बच्चों को लग रहा है करोड़ों का पैकेज, लेकिन IITs के अगर टॉप IITs की बात करोगे एवरेज पैकेज कितना है, 12 से 15 लाख, 10 से 15 लाख लगा सकते हो किसी भी ब्रांच में। क्या 100% प्लेसमेंट है? नहीं, 100% प्लेसमेंट किसी भी कॉलेज का नहीं है, इंडिया के वर्ल्ड में नहीं होगा मेरे हिसाब से, इंडिया तो है ही नहीं। IIT बॉम्बे को टॉप बोलता हूँ मैं, मानता भी हूँ, काफ़ी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ वहाँ पर है, लेकिन उसका भी 100% प्लेसमेंट किसी भी ब्रांच का नहीं है, राइट। जो देखा मैंने, मेरे पास डेटा है सब चीज़ का, राइट। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, सारे बोलते हैं, बहुत सारे कॉलेज में देखा 100% प्लेसमेंट, अरे भाई किसी कॉलेज का नहीं है, क्यों झूठ बोलते हो यार, ठीक है। चलो मैं क्या, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, क्या आपको ही देखो बता रहा हूँ, अगर आप स्मार्ट बन जाओगे रियली में स्मार्ट, और हवा भाई स्मार्ट नहीं, तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर आप ही बेवकूफ बनोगे तो भाई कोई आपको बचा नहीं सकता, तो आपको ही अपने कॉमन सेंस का यूज करना है। एग्जांपल देता हूँ, भाई मैंने एडमिशन लिया, मेरे को जॉब करना नहीं है, मैं पढ़ूंगा नहीं, मुझे जॉब कौन दिलाएगा भाई? तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं होता है पढ़ाई में, जबरदस्ती आ जाते हैं कुछ और होता है, लेकिन उस बात नहीं करेंगे। तो कितना सैलरी बनता है भाई, 10 to 20,000 सैलरी बना हर ब्रांचेस का, राइट। उसी बात करेंगे, ज़्यादा हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, मैंने ऐसे कुछ ज्ञान की बात कर दिया अब, लेकिन चलो होपफुली आप लोग तैयार हैं जानने के लिए कि भाई कितना का सैलरी लगता है, उसके बारे में हम बात करते हैं, राइट। कितना सैलरी बना अब 8 साल बाद, यहाँ पर फर्क पड़ गया। मैंने देखा यहाँ पर जो हमारे फ्रेंड थे जो CSE और IT डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, उनको अलग कर लेता हूँ, बाकी ये जो ब्रांचेज है ना इनको अलग कर लेता हूँ, ये फर्स्ट कर लेता हूँ और ये सेकंड कर लेता हूँ, मतलब कैटेगरी बात कर रहा हूँ। इसमें देखा 30% बंदे सैलरी इनको मिलता है 1,20,000 से लेके 1.5 लाख तक का सैलरी मिल रहा है 30% बंदों का। मतलब अगर मान लो 10 बंदे, मेरे 10 फ्रेंड हैं इस फील्ड में, 10 फ्रेंड है, सॉरी 10 फ्रेंड मान लो है, 3 बंदे का सैलरी कितना हो गया, इतना हो गया। यहाँ पर बात करते हैं, अगर मान लो मेरे 10 फ्रेंड से मैंने बात किया
तो 3 महीने का सैलरी कितना हुआ है? 50 से लेके 80 हजार तक हुआ है। एक दोस्त का मेरा सैलरी हुआ 80 हजार, बिकॉज वो अच्छे कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर या फिर असिस्टेंट मैनेजर बन गया है, उसका 80 हजार सैलरी है। अब समझ में आया कुछ? मिनिमम पैकेज कितना है भाई आईटी सीएससीआईटी में? 40 से 50 हजार मिनिमम चल रहा है अभी कुछ मेरे दोस्तों का, जो ऐसे काम नहीं करते अच्छे से या फिर जो भी है। यहाँ पर मिनिमम कितना चल रहा है भाई? 22 हजार मिल रहा है एक बंदे को, 22 या 25 मिल रहा है आफ्टर 8 ईयर्स। मतलब ये सबने 8 ईयर्स नहीं है, उसको बाद में जॉब लगा, 6 to 8 ईयर्स की बात करूंगा मैं। ये आपका कितना सैलरी मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको बोल दिया। शायद आपका अब आपको समझ में आ चुका है कि भाई मैं क्यों बोलता हूँ सीएससीआईटी में जाने के लिए। अब यहाँ बात करें, क्या पैसा सब कुछ है? क्या सीएससीआईटी में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है? भाई मेहनत जहां लगेगा वहीं पैसा मिलेगा, जहां मेहनत नहीं है वहां पैसा नहीं है। बिकॉज को वैल्यू कौन देगा, आप खुद सोचो। कोई चीज बहुत आसानी से किसी को मिलता है, क्या उसको आप ज्यादा पैसा दोगे? नहीं दोगे ना। तो जितना डिफिकल्ट काम है उसमें उतना पैसा है, सिंपल सी बात है। जितना आप अपने ब्रेन का सही तरीके से यूज कर सकते हो और प्रोडक्टिविटी दे सकते हो, लोगों के डिफिकल्ट चीज को सिंपल करके दे सकते हो, तभी आपको लोग पैसा देंगे। नहीं तो कौन देगा पैसा? लोग सर्विस का, प्रोडक्ट का पैसा देते हैं। लोग पैसा तभी आपको देंगे जब उनके लाइफ को आप आसान कर दोगे, नहीं तो कोई नहीं देगा पैसा, सिंपल टर्म में। और रियली में एंटरप्रेन्योरशिप इसी से शुरू होता है। एग्जाम्पल ले लो अमेजन का, गूगल का, फेसबुक का, ओयो का, ऊबर का, ओला का। वो क्या कर रहे हैं? दे आर सॉल्विंग पीपल प्रॉब्लम्स। तो ये था भाई साहब पूरा सिनारियो। आई होप यू गॉट सम रियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो। मेरा इस वीडियो का मकसद एक ही है, आपको रियल ही अवेयर करूं भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब मेरे को पता है आपके दिमाग क्वेश्चन, मैं सोचा था मैकेनिकल लूं या ना लूं। भाई मेरे आपको अच्छा कॉलेज मिलता ले सकते हो, अगर आपका मकसद है सिर्फ सिर्फ जॉब अच्छा लेना कंप्यूटर साइंस। अगर रियल इंटरेस्ट है कोई ब्रांच लो, लेकिन अच्छे कॉलेज से। बहुत से बोलते हैं सर इसी के बारे में आपने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि भाई जॉब है ही नहीं, क्या बताऊँ। आप लोग मोबाइल इतना बढ़ रहे हैं भाई, ऑटोमेशन है मोबाइल में, जितना अभी बच्चे हुए इंजीनियर उनको ही जॉब लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, राइट। तो इसीलिए बोलता हूँ कोई ब्रांच लो, अच्छे कॉलेज में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई सिंपल कॉलेज से पढ़ रहे हो, ओनली गो फॉर कंप्यूटर साइंस आईटी, जॉब लग जाएगा आपका। बाकी ब्रांचेस में मुश्किल लगना, बिकॉज आपका ये डेवलप इतना अच्छा हो नहीं पाता है, दैट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहाँ है? ये डेवलप हो नहीं पा रहा है, सिर्फ हम एग्जाम दे रहे हैं पास हो रहे हैं, उससे कुछ खास बात नहीं बनता है। उससे बस आपके लिए गेट ओपन हो जाएगा इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन उसके बाद ये काम करेगा वो पेपर काम नहीं करता है। उसके बाद इंटरव्यू में आपका कैसे बोलते हो, क्या आपने सीखा कॉलेज में, वो काम करता है। सर्टिफिकेट चाहिए, मार्क्स भी चाहिए, लेकिन वहां जाके इसका यूज भी तो करना होगा, काम तो करना होगा ना मेरे भाई। बिना काम करे कौन पैसा देगा? आई होप सो इतना काफी है बताने के लिए, समझ गए होंगे। आई होप सो। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक करें वीडियो को, सारे दोस्तों को भाई शेयर करो, व्हाट्सएप फेसबुक एवरीवेयर शेयर कर दो उस वीडियो को, राइट। एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। कोई और क्वेरीज है यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ऑल्सो यू कैन कमेंट बिलो कैसा लगा आपको वीडियो, कौन सा पार्ट इस वीडियो का सबसे अच्छा लगा, जरूर बताएं कमेंट में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू सून, गॉड ब्लेस यू ऑल।